कुछ दिन पहले हाई पावर कमेटी का एक लद्दाख के लिए स्पेशली हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसमें लद्दाख के लैंड, जॉब कल्चर, जॉब क्रिएशन और खासकर एलएचडीसी लैंड करगिल को, दोनों को इम्पावर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। हम इसका बहुत मतलब अमित शाह से थैंक्स कहना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी से थैंक्स कहना चाहूँगा कि लद्दाख को ध्यान में रखते हुए इतना हाई पावर कमीशन बनाया। लेकिन बदकिस्मत से कब बोलूँ कि लद्दाख में जो लद्दाख एलबीए की एक लीडर ने, जिस तरीके से कहा सिरिंग ने, जो वाइस प्रेसिडेंट है एलबीए का, उन्होंने कल परसों एक स्टेटमेंट दे करके ये कहा गया कि यूटी से बेटर पहले जेएनके में था। आप इसको बिल्कुल ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम बिल्कुल भी लद्दाखवासी सारे यूटी के साथ में खुश है। अमित जी से थैंक्स कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थैंक्स कहना चाहूँगा। हम कभी भी जेएनके में दोबारा वापस जाना कभी नहीं चाहेंगे। जिस तरीके से इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, हर लद्दाखवासियों से उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप कहा सिंह एलबीए के पोस्ट पर रहने की अब आज के बाद में उनका कोई वो नहीं बनता है, उस पोस्ट से भी रिजाइन करना चाहिए। इसको मैं ज़्यादा ना कहते हुए इसके ऊपर सारे लद्दाख के जो रिम्पोचे से एलबीए के हर विंग्स ने भी इसके ऊपर कंडम किया है, जो कमेटी बनाए उसको स्वागत किया है। तो उनको ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं, ये कहना चाहूँगा कि जो हाई पावर कमेटी है उसमें शामिल होना चाहिए। इसके ऊपर मैं ज़्यादा ना कहते हुए पूर्व में जो एलबीए के प्रेसिडेंट है का कुंजांगले, उनसे कहना चाहूँगा कि दो शब्द कहे इसके ऊपर। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये बीजेपी की तरफ से हम ऑर्गेनाइज किया है, तो इसमें जो रिसेंटली जो एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, जो ये रिसेंट डेवलपमेंट, जो हाई पावर कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है हमारे एमओएस होम के अंडर, तो इसमें इन दो चार दिनों में काफ़ी डेवलपमेंट्स इसमें देखने को मिला। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, इस हाई पावर के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद केडीए और एपेक्स की तरफ से इसमें अटेंड नहीं करने का उन्होंने एक डिसीजन लिया। उसमें उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें पॉइंट्स उठाया कि इसमें कमेटी के मेंबर्स में इसमें काफ़ी लोगों को शामिल नहीं किया गया है, और उनके जो फोर पॉइंट एजेंडा है उसको भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है बोल के उन्होंने काफ़ी 7 तारीख को एक केडीए का और एपेक्स बॉडी का करगिल में मीटिंग हुआ। तो इस बात को लेके पूरे लद्दाख के लोगों में एक कंफ्यूजन और एक थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन है कि होम मिनिस्ट्री ने इतना बड़ा एचपीसी कमेटी बनाने के बाद भी आप केडीए और एपेक्स का इसमें शिरकत नहीं करना, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। और हमें इससे ये लगता है कि केडीए और एपेक्स को बात करने का नियत इनका है ही नहीं, वो लोग बात करना ही नहीं चाहते, उनका कोई और एजेंडा चल रहा है जो अंदरूनी तौर पे। और जो कल स्टेटमेंट आया है एपेक्स बॉडी के एक इम्पोर्टेंट मेंबर और जो अभी सिटिंग लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि अभी वाला जो यूटी जो हमें मिला है उससे तो अच्छा था कि हमारा पहले वाला जेएनके वाला सेटअप वो ज़्यादा अच्छा था बोल के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। तो ये सारा जो स्टेटमेंट आया है ये पूरा वहाँ पे केडीए और एपेक्स का मीटिंग होने के बाद जो गुपकार गैंग का जो एक एजेंडा चल रहा है, जो करगिल वालों का एक एजेंडा चल रहा है कि आर्टिकल 370 और 35A को रिस्टोर करने का जो एक मुहिम चल रहा है, ये लोग उसका एक पार्ट है। आज हमें पता चल रहा है कि इनका एक हिडन एजेंडा था जिसपे ये लोग काम कर रहे थे। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से 1949 से लेके आज तक लद्दाख में यूटी देने का जो यूटी का जो मसला है वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ही शुरू हुआ, और आज उसी का एक वाइस प्रेसिडेंट, जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है, वो जब ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो ये पूरे लद्दाख के लोगों का, जिसमें बुद्धिस्ट हो मुस्लिम हो, सबके लोगों के जो एक डिमांड था वो अभी तक उन्होंने फिर क्यों बोला कि आज तक लद्दाख को यूटी चाहिए। तो ये जो है, जो लद्दाख को यूटी लाने के लिए जो लोगों ने शहादत दी है, जो लोगों ने जेल में गए, जिन्होंने बहुत सारे अत्याचार सहे हैं, उन सबको क्या इन्होंने आज तक बेवकूफ़ बनाया? क्या पूरे लद्दाख को बेवकूफ़ बनाया? आज 70 साल के बाद
ये लोग बोल रहे हैं कि एलबीए बोल रहा है कि ये सेटअप जो है ठीक नहीं है, तो इससे एक बात क्लियर होता है कि ये केडीए और एपेक्स बॉडी का एक मिलीजुली एक इनका एक हिडन एजेंडा है जो कि बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। ये लोग दोबारा लद्दाख को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने के मुहिम में जुड़े हुए हैं, और ये आज हम क्लियर कहना चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों का, बीजेपी का, लद्दाख के लोगों का ये जो केडीए और जो एपेक्स बॉडी जो ये साजिश जो अभी कर रहे हैं लद्दाख को दोबारा जेएनके में शामिल करने का, ये हम कभी भी पूरा होने नहीं देंगे, और इसके लिए हमें किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक अगर जाना पड़े उसके लिए बीजेपी जाने के लिए तैयार है। और हम यही अपील करते हैं केडीए और एपेक्स बॉडी के लीडर से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इम्पोर्टेंस देके, एक इज्जत देके, जो एक हाई पावर कमेटी जो अभी कॉन्स्टिट्यूट किया है उसका ऑनर करना चाहिए और बात करना चाहिए, और जो भी मसला हो, जो भी इश्यूज हो, वो बिना बात किए कोई चीज सॉल्व नहीं होता है। ये लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे साफ पता चलता है कि केडीए के लीडर्स और एपेक्स के लीडर्स का मंशा बिल्कुल, इनका इंटेंशन ठीक नहीं है। ये लोग लद्दाख को पहले वाले सिचुएशन में धकेलने की कोशिश करते हैं, जो हम बिल्कुल होने नहीं देंगे, और उसके लिए बीजेपी को चाहे एजिटेशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लद्दाख दोबारा जेएनके का हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और हम कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे।